तो इंफ्रा की धूम हर जगह मची हुई है और आपको मालूम है कि हम हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सरकार का रुझान तो है ही है और सबकी नजर है क्योंकि ये सेक्टर बहुत सालों से रुका हुआ था। और हो भी क्यों ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, अगर हमें इंडियन इकोनॉमी की GDP को इंक्रीज करना है, अगर हमें इंडिया की डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है, भारत को भारत बनाना है, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना ही होगा, जिसमें सड़कें हैं, रेलवे है, हर तरह का यातायात है, लॉजिस्टिक्स है, टेलीकॉम है, बहुत सारी चीजें इंफ्रा का पार्ट बनती हैं। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर है इसमें बहुत ही ज्यादा रुझान है, लोगों का इंटरेस्ट है और शायद ही मल्टीबैगर सेक्टर की तरह परफॉर्म कर रहा है, आने वाले सालों में शायद ये और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसी कड़ी में हमने इस वीडियो में चूज किया है एक ऐसे शेयर को जो लगातार जूम कर रहा है, 25 रुपए का लो बनाने के बाद में ये शेयर कहीं ना कहीं 100 रुपए को पार कर चुका है। क्या ऐसे शेयर में अभी भी निवेश करना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो दोस्तों, प्लीज अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ही सलाह कीजिएगा, तभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। हमने इस शेयर को चूज किया है क्योंकि इसमें बहुत हलचल है, क्या हो सकता है टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे, मेरा व्यू आपके साथ शेयर करने वाला, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई सुप्रीम नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम। तो यहां पे हम देखने वाले हैं इस शेयर को जिसका नाम है HUDCO, HUDCO। जी हां, बहुत ही चर्चित है। सबसे पहले इसके अगर मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है जिसको हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक समय पे शेयर 80 रुपए के आसपास हुआ करता था, 80 रुपए से गिरते गिरते ये स्टॉक कहीं 25 रुपए के आसपास आया, 25 से नीचे भी गया, उसके बाद रैली फॉर्मेशन करता हुआ वापस 80 रुपीज को ब्रेकआउट किया और इसको मैं मंथली ईयरली ब्रेकआउट में कन्वर्ट करूंगा तो शायद ये शेयर मंथली ब्रेकआउट को करता हुआ दिखाई दे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस की वो चीजें सिखा दूंगा जो आपको बड़े से बड़े पेड कोर्सेज में नहीं मिलने वाली है। तो इस चैनल पे अगर बने रहेंगे तो सारी बारीकियां जो आपको लाखों रुपए के कोर्सेज में पे करके मिलती हैं, शायद नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे लोग अपने अपने इंडिकेटर्स लेके आते हैं, थोड़े बैक टेस्टिंग के चार्ट्स लेके आते हैं, आपको पागल बना के चले आते हैं। वो सभी चीजें, जितनी भी बारीकियां हैं, आपको एक एक करके वीडियोस में एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल्स के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसी और वीडियोस आपके सामने लाने के लिए। चैनल की बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलना, नहीं तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आएगी। यहां पे रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को समझें, ये रूल है, जरूरी नहीं है ये हो। ये कहा जाता है कि जो डेप्थ है इस राउंडिंग बॉटम की, तो हो सकता है जब ये शेयर ब्रेकआउट करे तो जो लेंथ यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, जो डेप्थ बेसिकली देख सकते हैं, तो यही हम रिपीट कर सकते हैं तो स्टॉक में अच्छी खासी चाल आ जाती है। ये टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक्स कहते हैं, होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, समय बताएगा, बट ऐसा कहा जाता है। अगर इसको समझे तो शेयर में बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है। 5813 का ब्रेकआउट देखिए, जो 5813 EMA है, जो मेरा फेवरेट है, आपको मालूम है ये फिबोनाची का सेटअप है और ये मैं अपने डे वन से 5 साल पहले जब वीडियोस बनाई थी तब से इस सेटअप को यूज करता रहा हूं, कभी भी फेल नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी कहते मिलेंगे आपको कि एक स्ट्रेटेजी बहुत साल तक नहीं चलती, सालों साल चलती है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। स्टडी कहां करना है, कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे 5813 का ब्रेकआउट दिख रहा है मंथली चार्ट के ऊपर में, उससे बड़ा सपोर्ट अगर आप यहां पे देखेंगे तो सबसे बड़ा ध्यान आपको इसकी वॉल्यूम्स के ऊपर जाना चाहिए। पिछले 10-12 महीने की वॉल्यूम्स को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी भी हर प्राइस के ऊपर में ये इंस्टीट्यूशंस, मैं इनको इंस्टीट्यूशंस कहूंगा, ये इंस्टीट्यूशंस की बाइंग यहां पे भी अभी देखने को मिल रही है। वजह क्या है? सबसे पहले वजह जानने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल भी इस वीडियो में कोई प्रेजेंटेशन नहीं लेके आया हूं ताकि मैं आपको ये इंप्रेस कर सकूं कि देखो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, मैं कर सकता हूं, पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आम आदमी को, आम ट्रेडर को, आम इन्वेस्टर को यह समझाना चाहता हूं कि बाजार इतना ही आसान है जितनी आसानी से मैं देखता हूं। तो मेरे चश्मे से देखिए, अपना चश्मा आप खुद ही ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस न्यूज के ऊपर में जो पिछले कुछ महीने से बाजार में है। आपको शायद नहीं पता होगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल किया तो यहां पर लाइन लग गई लिस्ट की, लाइन नीचे से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अक्टूबर के महीने से इसमें बहुत सारी न्यूज है। न्यूज क्या है? देखिए, न्यूज है गवर्नमेंट टू सेल अप टू 7% स्टेक इन HUDCO। क्यों बेच रही है सरकार अपना स्टेक? सरकार इसमें इसलिए स्टेक बेच रही क्योंकि सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो कहीं न कहीं इसमें 81% के आसपास थी, और मानकों की माने तो रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर में नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू, OFS के थ्रू इसको लिक्विडेट किया गया है। तो कहानी कहां पे आती है इसको और अच्छे देखते हैं। उसके बाद में क्या, 18 अक्टूबर की न्यूज है, अक्टूबर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 की न्यूज है। अक्टूबर का भाव देखेंगे, ये अक्टूबर का भाव अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पे कहीं हम मंथ वाइज है, हम दिसंबर में, दिसंबर, नवंबर
अक्टूबर, यहां से कहानी शुरू हुई। उससे पहले भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, तो गूगल करने की आदत डालिए। उसके बाद आज की न्यूज क्या, आज भी स्टॉक ताबड़ तोड़ बढ़ा है। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं 14 दिसंबर को, ये वीडियो हो सकता है आपके 16 को आए, 17 को आए, 18 को आए, क्योंकि वीडियो का बैकलॉग है। आपकी पसंद पे हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बट इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी आज है। तो प्लीज इस वीडियो को एनालिसिस के थ्रू देखिएगा, कोई ट्रेडिंग टिप या एडवाइस की तरह नहीं देखना है इसको। तो यहां पे आज की जो न्यूज है दैट इज एक्सीलेंट गाइस, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पे है हुडको जूम्स, क्यों 20% चला है उन हैवी वॉल्यूम्स, क्यों The government had sold 132.88 million equity shares of 6.6% of the total equity of the company via OFS, the exchange data shows. चलो न्यूज के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, समझ में आता है कि एक्चुअली मेरी न्यूज नहीं है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की है, रिपीटेड है, गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, तो इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, इसमें आपका कॉपीराइट है, आपका न्यूज है, आपका चैप्टर है। दोस्तों न्यूज आपके सामने है, हुडको जूम्स 20% ऑन हैवी वॉल्यूम स्टॉक अप 50% फ्रॉम OFS प्राइस इन 2 months, OFS ऑफर फॉर सेल में जो प्राइस ऑफर किया था वहां से 51% का इंक्रीज हो चुका है 2 महीने के अंदर अंदर में। कमाल की बात है, कमाल की बात है। पूरा डिटेल आपको गूगल पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जाके पूरा अच्छे से समझिए क्या कहानी है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास गूगल करेंगे सब कुछ मिलने वाला है। हम क्या देखने वाले हैं कि इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना, ये अलग बात है। पहले ये सोचना है कि क्या 110 रुपए 111 का जो भाव है क्या वो बहुत हाई बन गया, क्या इस पे निवेश करना चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बाद से कि कोई भी भाव हाई या लो नहीं होता है। अगर एक स्टोरी पक जाए, एक स्टोरी मिल जाए, ऑफर्स आने लगे, ऑर्डर्स मिलने लगे, स्टोरी इन लाइन हो जाए सरकार की सोच के साथ, अगर कंपनी का प्रोडक्शन या सेल्स या सर्विसेज मैच कर जाए तो स्काई इज द लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर। आपने ऐसे ऐसे शेयर्स देखे होंगे जो कभी 10 रुपए हुआ करते, जो आज 10,000 रुपए 20,000 रुपए का ट्रेड भी वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने बहुत देखे होंगे। यहां पर समझते हैं कि करती क्या है हुडको। हुडको लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। फाइनेंसिंग का काम करती है किसका, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। क्या आपको भारत में निर्माण से जुड़ा हुआ शब्द दिखाई देता है, क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ शब्द दिखाई देता है। यहां पे देखने की कोशिश करें जो लोन बांटती है कंपनी, है ना, लोन बांटती है, किस सेक्टर में बांटती है। सबसे नीचे चलते हैं, आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये कहानी है क्या, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्या। द कंपनी इज वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियर्स ऑफ द इंफ्रा एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। दस रिमेनिंग स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। सरकार कहती है सबके पास घर हो, सरकार का सपना सबके पास घर हो अपना, वो कैसे होगा। ऐसी ऐसी कंपनीज जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आपको लोन करती है, बहुत सारी चीजें करती हैं, सरकार का सपना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड 81% स्टेक इन द कंपनी, इट ऑल्सो हैज वेल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मेकिंग इट अ प्रेफर्ड लेंडर ऑफ देयर अर्बन इंफ्रा एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। बात समझ में आया, कहानी क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डाली जाए तो 22,000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 111 है, ओएफएस 70 रुपीज के आसपास का था, 78 रुपीज का बुक वैल्यू है, 63,000 करोड़ का डेट है, वो कोई इशू नहीं है फाइनेंस की कंपनी के लिए। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 3.46% का 3.46% का डिविडेंड यील्ड है, शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। 8.8% का आरओसी है, आरओई 11.4%, फेयरली प्राइस है। इंडस्ट्री पी 15.7 का है और स्टॉक मिल रहा है 12.5 की पी पे, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी फेयरली प्राइस है, कहीं ना कहीं कंपनी अंडर वैल्यूड है। अब चलते हैं इसके डीप एनालिसिस के अंदर में, पीएनएल को देखते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सेल्स कर रही है, धंधा है, तो तकलीफ क्या है शेयर्स में, तकलीफ कोई नहीं है। रिवेन्यू की अगर बात करें, कंपनी का रिवेन्यू बड़ा ही शानदार है। ये देखिए, जहां 2020 में 7,500 करोड़ के आसपास का था, उसको लगातार कंपनी मेंटेन करी, 7,000 करोड़ के आसपास का धंधा मेंटेन है। ये बिजनेस कभी किसी टाइम पे 2012 में 2,700 करोड़ का होता था जब रिवेन्यू हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से आ रहा था, पर आज की डेट में 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जो गवर्नमेंट का रुझान है, 2023 से लेकर 2030 तक का, ये 7 साल आने वाले गोल्ड माइन है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, बहुत सारी टनल्स बननी है, बहुत सारे हाउसिंग बनने हैं, बहुत सारे डैम्स बनने हैं, बहुत सारे सड़कें बननी है, बहुत सारे पुल बनने हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा तैयार होने वाला है, हाउसिंग इंफ्रा होने वाला है, अर्बन इंफ्रा बहुत क्या क्या नहीं होने वाला है। तो ये एक गोल्डन पीरियड है अगले 7 साल का, मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। तो ये सेल्स आने वाले टाइम में और भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, सरकारी कंपनी है, प्रोजेक्ट्स इनको मिलने ही मिलने हैं। अगर फाइनेंसिंग मार्जिन देखें
तो 30% 33% का फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी मेंटेन करती है, बड़ा ही शानदार है। अगर हम प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस की बात करें तो 2000 करोड़ से ऊपर के टैक्सेस हैं, 2400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, और नेट प्रॉफिट कंपनी 1700 करोड़ के आसपास का मेंटेन कर रही है। 1700 करोड़ का प्रॉफिट शानदार है भाई, बहुत अच्छा कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे और डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं और क्या है। क्वार्टर वाइज अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करें तो क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस भी इस साल में अगर देखें तो 1800 करोड़ के आसपास का धंधा कंपनी हर बार कर रही है, मेंटेन है, सेल्स मेंटेन है। और पहले पिछले साल 1700 करोड़ के आसपास का बिजनेस था, अब लगातार 1800 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही है, विच इज वेरी वेरी ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात किया है तो 606 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और नेट प्रॉफिट है 450 करोड़ के आसपास, 400-600 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट करती है। भाई प्रॉफिट कम या ज्यादा होता है, कंपनी प्रॉफिट करती है, लॉस की कंपनी बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझिए किसी कंपनी का क्वार्टर वाइज प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, किसी क्वार्टर में सेल्स डाउन हो सकती है, अगले क्वार्टर में मैचअप हो सकती है, तो दिस इज जस्ट अ गेम। अब समझते हैं इन्वेस्टर्स, ये है असली खेल जिसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर में भूचाल आया हुआ है। भूचाल जिसे कहेंगे, भूचाल कैसे समझा जाए, प्रमोटर्स जो है कौन अभी देखेंगे इसके अंदर, प्रमोटर्स जो सरकार है जिसके पास में दिसंबर 2020 में 89.81% इक्विटी थी, लगातार इक्विटी को शेड कर रहे हैं, 81% इक्विटी 2021 में थी और यहां कहीं ना कहीं अभी भी 81-80% के आसपास सितंबर तक थी। अब हम दिसंबर में बैठे हैं, ये माल बेचा गया, ये गिर के 75% के आसपास आ गई है जो तय लिमिट के अनुसार है। समझिए FIs का इसमें कुछ खास स्टॉक स्टेक नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7% की होल्डिंग रखते हैं, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 10% है। आपके पास माल है ही क्या, पब्लिक के पास जब इक्विटी नहीं होती तो वो शेयर भागते ही भागते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आप जाके देख सकते हैं इस शेयर में चाल आई क्यों, क्योंकि जब माल आपके पास है ही नहीं और उस माल को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है, अब ये 10% के लोग, इंस्टीट्यूशंस के लोग, एफआईएस के लोग, ये जो ओएफएस आया है 6.81% के आसपास का, इसको लेने के लिए लोग लाइन में लगे हैं, इसलिए भाव 25 रुपए से बढ़ के 110 रुपए के पार कर चला गया। ये आगे और भी बढ़ सकता है, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, ये मेरा मानना, ये मेरा अनुमान है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि टीटीसी क्या कहते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के बिना हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे टारगेट्स निकालने हैं, मुझे देखना है कि स्टॉक कहां तक जा सकता है, कहां तक गिर सकता है, तो उसका एनालिसिस पूरा टीटीसी के थ्रू करता हूं। टीटीसी कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको उस नंबर पे कॉल करने के लिए जो नीचे पट्टी पे आपको मिल रहा है, कॉल कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। टीटीसी अब मेरा कहता क्या है, इसके ऊपर चल के देखते हैं कि व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द टीटीसी। हमें करना क्या है टीटीसी के अंदर में, सिर्फ जाना है, हुडको टाइप करना है, गो पे क्लिक करना है, और मेरे पास अगर मुझे इंट्राडे प्ले करना है तो इंट्राडे प्ले करने के लिए मेरे पास में क्या सीन होगा। अब कल के लिए मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो मैं कल का रेट, आज का रेट क्लोजिंग देख लेता हूं। आज है 14 दिसंबर, आज ही क्लोजिंग है 111 रुपए की, तो 111 का जो भाव है ये मेरा यहां पे है, ये ब्रेकआउट लेवल के पास में है, ये टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। इसके ऊपर का सस्टेन किया तो 121 से 132 क्या जाएगा नहीं जाएगा ये तो कल का मार्केट बताएगा, कोई टिप्स नहीं है, ठीक है ना। बट ये स्टॉक लगातार चल कहां से रहा है, यहां से चलते हुए ऑफर फॉर सेल के प्राइस के पास से चलते हुए 50% तक की रैली स्टॉक ने दे दी, 51% जूम हो गया, 20% तो आज ही चला। जब इतनी तगड़ी बाइंग हो रही है तो क्या ये स्टॉक जा सकता है, ये डिसाइड करेगी इसकी वॉल्यूम्स। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ये है असली पैरामीटर किसी भी स्टॉक के बढ़ने का, हाईएस्ट वॉल्यूम। देखिए बीते दिनों में वॉल्यूम का नजारा देखिए, 1-2-3 पिछले 3 दिन की वॉल्यूम देखिए, खतरनाक वॉल्यूम है। ये स्टॉक यहीं से बिल्कुल ऑफर फॉर सेल के प्राइस के पास से जो जूम हुआ है, कमाल का जूम हुआ है। अब अगर हम टीटीसी की माने तो मेरे पास मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरी स्ट्रेटेजी होगी भैया अगर मुझे ये स्टॉक लेना है तो मैं सीधी सी बात है 100 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें मैं आगे ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी होती है, आपकी स्ट्रेटेजी अपने आप तय कीजिए। मैं इसको लेके चलूंगा, 110 रुपए को पार कर चुका है, 121 132 140 कुछ भी मिलेगा देखेंगे, ट्रेल करेंगे, क्योंकि भैया सरकारी कंपनी है, जैम है, जैकपॉट दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है मैं गलत हो सकता हूं, अपना एनालिसिस खुद कीजिए, क्योंकि किसी के कहे से जब तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, किसी के कहे से जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आपको लॉसेस होते रहेंगे। एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन गो रॉन्ग ड्रास्टिकली इन द स्टॉक मार्केट। आज मुझे हुडको अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल एकदम से कोई ऐसी न्यूज आ जाए, खराब हो जाए, कोई भरा हुआ माल बेच दे अपना, तब स्टॉक गिर सकता है, मैं क्या कर लूंगा। तो बाजार में रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ही बाजार में पैसा बन सकता है। सही निवेशक सही पैसा कब बना सकता है, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, बाजार को समझेगा, बाजार की न्यूज को देखेगा, पैरामीटर्स को वॉच करता रहेगा, देखता रहेगा टेक्निकल एनालिसिस को, देखता रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस को, उस चार्ट के अंदर में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, क्या इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, यही असली खेल है किसी भी स्टॉक के असली रैली होने का। तो चाहे वो हुडको हो, चाहे वो IFCI हो, चाहे वो येस बैंक हो, चाहे बड़े शेयर MRF जैसे हो, जब तक उसमें बायर्स का पार्टिसिपेशन आपको
ना दिखाई दे, आपको बैठने की जरूरत नहीं, ये टिप दे रहा हूं आपको। तो जब उसमें इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस आपको दिखाई दे, जब आपको लगे कि हाँ यहां पे कुछ इंटरेस्ट बन रहा है, उसी टाइम पे आपको सिर्फ गूगल के पास जाना है, देखना है उस स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना है, नहीं समझ में आती किसी से पूछिए, किसी से सलाह लीजिए, उसका हिंदी रूपांतरण कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, गेम समझ में आ जाए तो निवेश कीजिए, नहीं तो ओके टाटा बाय बाय। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्लीज दबाना मत भूलेगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगी और वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी एनर्जी लगती है। आपका एक फीडबैक, एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ये बताने के लिए ताकि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हम नेक्स्ट कंटेंट के लिए तैयार हो जाएंगे इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विपुल कौशिक साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।